जैसा कि चुनाव नजदीक है और सारी पार्टियां एकजुट होकर के महागठबंधन में भी आ रही, वहीं छोटी छोटी पार्टियां बैठक करके अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। आज देखिए दारुल सफा में एक ऐसी पार्टी ने बैठक की जिसने फूलन देवी परिवार की पोल खोल दी और उन्होंने बताया जो बाहर घूम रहे हैं वो बहुरूपिये हैं। हमसे पूछिए क्या जवाब है, देखिए उन्होंने इस प्रेस वार्ता में क्या कहा। मेरा नाम प्रेमचंद बिंद है, मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग कामनहाल दारुल सफा ब्लॉक के लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आज का यह कार्यकर्ता सम्मेलन लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी के संदर्भ में रणनीति की घोषणा करने के लिए बुलाया गया है। कितने सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी देश में 105 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल व दिल्ली राज्य शामिल है। 56 सीटों पर उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी लड़ाएंगे, 25 सीटों पर बिहार में लड़ाएंगे, शेष अन्य राज्यों में। तो क्या आपकी पार्टी किसी जाति धर्म को लेकर चल रही है कि सभी धर्मों के इसके अंदर जगह? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सम्मान और अधिकार, सभी के बहुमुखी उत्थान एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा नारा यह है, जय मानव। जो मानव हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। संपूर्ण भारत में समानता और मानवता लाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। समाज के दबे कुचले, गरीबों, आदिवासियों, सर्वाधिक पिछड़ों, महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। बैठक में आज कहां कहां से लोग आए? बैठक में आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आए हैं, बिहार के कई जनपदों से लोग आए हैं। लोकसभा चुनाव में हमारा मुख्य एजेंडा होगा सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाए, और आरक्षण के लिए जो एक सीमा निश्चित किया गया है 8 लाख, उस सीमा को रद्द किया जाए, एक सही सही सीमा का निर्धारण किया जाए जो कि संविधान सम्मत हो, तर्क सम्मत हो, न्याय संगत। आपकी बैठक का आपका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम रुक्मिणी देवी निषाद, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, सांसद पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी की बड़ी बहन। तो समाज में किन चुनौतियों को दूर करने के लिए राजनीति में आई हैं आप? जो फूलन का सपना अधूरा था और फूलन पार्टी एकलव सेना बनाई थी वो पार्टी नहीं चला पाए, हम लोगों ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बना करके हम लोग चला रहे हैं। आज जो इस बात को जो फूलन करना चाहती थी गरीबों के साथ वो नहीं कर पाई, उसका अधूरा मिशन है। और वो पार्टी हम लोग चला करके कि सबसे ज़्यादा किसी भी जात की माँ हो, किसी भी जात की बहन हो, किसी भी जात का भाई हो, किसी भी जात का बच्चा हो, जो फूलन का सम्मान दिया था जंगल से लगा के जेल तक, जेल से लगा के राजनीति तक, वो सम्मान देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस आज बैठक बुलाई है कि जो आगे चुनाव आ रहा है इस चुनाव में संगठन मजबूती बनाने के लिए आगे कार्यकर्ता जो अभियान चलता है तो ये अभियान चलाने के लिए ये बैठक हम लोगों ने आज बुलाई है, क्योंकि इसमें चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा और जो गरीबों के साथ अत्याचार होता है वो अत्याचार बचाने के लिए ये हम लोग इसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्योंकि एकलव्य सेना का आपने नाम लिया जिसकी संस्थापिका वीरांगना फूलन देवी थी, तो वो आपकी एकलव्य सेना किसकी है? वो उनका उत्तरदायित्व जो वो बताते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो फूलन राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। वो उस जिस दिन फूलन खत्म हो गए उस दिन से हमने वो मुद्दा खत्म कर दिया,
ये पप्पू निषाद तो हम जानते नहीं है कहाँ का है कहाँ का नहीं है, वो कोई नहीं है फूलन का। मेरा बेटा संतोष को गोद लिया था, वो मैं अब कोर्ट से लेकर के, कोर्ट से मैं लिखत में लेकर के मैं ग्वालियर में हमारा बच्चा निवास कर रहा है जो संतोष निषाद नाम है उसका, हमारा बीच वाला बेटा और बेटी लिया था फूलन ने। और पप्पू निषाद हमारा कोई नहीं है, ना हमारे परिवार का है, ना हमारे रिश्तेदार, ना नातेदार, ना हमारे इलाके का है, ये पता नहीं कहाँ का है, हम नहीं जानते उसको, ना हमारा समाज परिवार जानता है, ना हमारे गांव गली का, ना रिश्तेदार जानते हैं। ये मरने के बाद कोई बेटा बन जाए धर्मपुत्र, जंगल में नहीं बना कोई। तो उनके परिवार की तो अभी बहुत ही दयनीय स्थिति है, तो इसके ऊपर आपकी पार्टी क्या काम करेगी? कहाँ परिवार की दयनीय स्थिति है? भाई मेरा नौकरी में है, पुलिस की नौकरी कर रहा है, दो स्टार लगे हैं, है माँ मेरी जरजात माली है, दयनीय स्थिति तो ये लोग करते हैं कमाने के लिए, कहाँ दयनीय स्थिति है? आप जा करके देखिए, जो माँ हमारी जो इन लोगों ने निकाली थी, ये माँ के नाम पर निकाली थी दयनीय स्थिति, ये कमाई करने का जरिया निकाला। तो आपने देखा कि जैसे कि एकलव्य सेना और अन्य चीजों के बारे में उन्होंने बखूबी बताया, उन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडे को भी लेकर के बातचीत की कि अगर उनकी पार्टी जो गठबंधन में अगर करेगी तो उनके मुद्दे अलग रहेंगे और इन्हीं मुद्दों के ऊपर वो चुनाव 2019 में लड़ेगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए।